नमस्कार फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हमारा अष्टमी का व्रत था और हमने अष्टमी पे प्रसाद बनाया है। वहाँ लौकी, मैंने आपको लौकी दिखाई थी, तो लौकी को छील लिया था, कद्दूकस कर लिया है और कुटू के आटे में मिलाकर हमने उसके पराठे बनाए। ये देखिए, पराठे बहुत टेस्टी बने हैं फ्रेंड और बहुत सॉफ्ट बने। ये देखिए, बना के मैंने उतार लिए हैं और यहाँ पे मैंने उबालकर आलू इसकी सब्जी बनाई है। अब मैं आपको यहाँ सर्व करके दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए। फ्रेंड, जो हमने लौकी मिलाई है ना कुटू के आटे में, वो बहुत टेस्टी पराठे बने हैं उसके। यहाँ समा के चावल थे, मैंने पकाने रख दिए थे खीर के लिए। चावल अच्छे से पक चुके थे और मैंने उसमें दूध डाल दिया है और यहाँ मैंने दो इलायची भी डाली है, थोड़ा सा उसमें मैंने नारियल कद्दूकस करके डाल दिया है, थोड़े से बादाम थे वो भी हमने काट के डाल दिए हैं। और दूध को पकाना है बहुत अच्छे से, दूध और जो चावल है वो अच्छे तरह से मिक्स हो जाना चाहिए, अलग अलग नहीं रहना चाहिए, अच्छी तरह से पक के गाढ़ी हो जाए खीर। वहाँ हमने चीनी डाल दी है और अब इसको थोड़ी देर और पका रहे हैं चीनी डालने के बाद। और देखिए फ्रेंड्स, हमारी खीर बनके तैयार हो गई है। यहाँ पे मैं परोस के दिखा रही हूँ, ये देखिए।